कोरोना संक्रमण से जिले के भीतर मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। 8 अप्रैल को बिरसा तहसील के सुरबाई निवासी की इलाज के दौरान हुई मौत। आठ अप्रैल को जिले में हुआ कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट। 7 अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार जिले में मिले 76 नए कोविड पॉजिटिव मरीज। इसके साथ ही जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 276। जिले के चांगोटोला थाना के अंतर्गत मोहगांव निवासी एक नाबालिग ने स्वयं को किया आग के हवाले। घटना में हुई नाबालिग की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच। ₹3,000 में होगी सीटी स्कैन, HRCT की जांच। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने दिए निजी नर्सिंग होम को निर्देश। शहर के 3 नर्सिंग होम में हो रही सीटी HRCT की जांच, अधिक फीस लेने पर होगी कड़ी कार्रवाई के निर्देश। जरेरा गांव में कोविड को लेकर नई बरती जा रही है सतर्कता। कोविड पॉजिटिव मरीज के घर में संचालित हो रही है दूध डेयरी, बालाघाट तक आ रहा है दूध। शनिवार रविवार लॉकडाउन पर कलेक्टर दीपक आर्य ने जारी किया आदेश। शनिवार रविवार को संपूर्ण जिले में रहेगा लॉकडाउन। पंद्रह अप्रैल तक बंद रहेंगे चौपाटी, चाय दुकान, चाइनीज दुकान, जिम, कोचिंग संस्थान, साप्ताहिक बाजार। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं, खाद्य सामग्री होम डिलीवरी के आदेश। अन्य प्रदेश से आने वाले व्यक्ति के लिए 72 घंटे पहले दिखाना होगा निगेटिव रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान चालू रहेंगे दवाई दुकान, राशन दुकान, अस्पताल, पेट्रोल पंप, ATM, सब्जी और दूध की दुकानें। सब्जी विक्रेता संघ ने लिया बड़ा फैसला। शनिवार रविवार को लॉकडाउन के दौरान बंद रहेगा सब्जी बाजार, शुक्रवार शाम तक सब्जी खरीदने की अपील। जिले के शासकीय स्कूलों के शिक्षकों में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ दिनों के दौरान ही 8 स्कूलों के 14 शिक्षक कोविड पॉजिटिव पाए गए। आठ अप्रैल को जिला मुख्यालय से लगे हुए आलेझरी शासकीय स्कूल में एक शिक्षक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दिन भर स्कूल संचालित होता रहा। पद्मेश 24/7 के दखल के बाद देर शाम जिला शिक्षा अधिकारी ने 3 दिन के लिए स्कूल बंद रखे जाने का आदेश जारी किया। खैलांजी थाने के सालेटेका गांव में बिजली के करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह घटना उस समय घटित हुई जब व्यक्ति भवन निर्माण का कार्य कर रहा था। शहर के लोगों के द्वारा कोविड वैक्सीन लगाने में रुचि नहीं दिखाई जा रही है, जिसकी वानगी 8 अप्रैल को दिखाई दी, जहां अधिकांश सेंटरों में वीरानगी दिखाई दी। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के सत्यापन के लिए अच्छी खबर यही है कि अवकाश और लॉकडाउन के दिन को छोड़कर बाकी दिन सत्यापन का कार्य होते रहेंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के द्वारा लंबित मांगों को लेकर 8 अप्रैल को ज्ञापन सौंपा गया और चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी गई। आठ अप्रैल को मौसम में अचानक बदलाव की वजह से जिले भर के आसमान में छाए काले बादल और तेज हवाओं के बीच कुछ स्थानों पर आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई। 1200 तहसील के अंतर्गत आने वाले गट्टापायली गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। जिले के अन्य स्थानों की तरह लालबरा तहसील में भी कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। अब तक मिले आंकड़ों के अनुसार 40 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। लालबरा तहसील में भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के परिजन घर पर होम आइसोलेशन का पालन नहीं कर रहे हैं। तहसीलदार के द्वारा शिकायत मिलने पर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया जा रहा है।